हेलो हाय गाइस, अभी भी बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा केंद्र में घोषित किया गया है नोटिस के द्वारा कि एडमिट कार्ड इस दिन में आ जाएगा। तो गाइस, ये सब कोई बात नहीं है, ये सारे बकवास है। ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। आप यदि पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे जो है इस वीडियो को भगाइएगा नहीं, पूर्ण रूप से देखिए, आपको सटीक नॉलेज मिलेगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब नोटिस जारी किया गया है। देखिए, हम बिहार सिविल कोर्ट से जुड़े जो आपको कुछ हम बताने के लिए जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स के तहत। तो गाइज, आपको पता ही होंगे कि बिहार सिविल कोर्ट का जो है एक पियून वाले होंगे जिसे चपरासी या अर्धदली कहते हैं, जिसमें कि 1673 पोस्ट थे, और उसके बाद है क्लर्क वाले। जितना फर्म का मतलब बिहार सिविल कोर्ट जो है उनको पता थे कि मतलब कम से कम कितने 2-3-4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, पर यहाँ तो 17 से 18 लाख के आसपास बच्चे इसमें बिहार सिविल कोर्ट वाले में परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए। इसी दरमियान में जो है कोर्ट के जो निर्देशक जो भी हैं उन्होंने मतलब इस परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई एक निष्कर्ष ढंग से सही जो है एग्ज़ाम का डेट जो है निर्धारित नहीं किए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे अपवाद के तौर पर मिल जाएंगे कि आज एग्ज़ाम होने वाला है, कल एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, जो सही बात है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के तहत देखिए आपका एग्ज़ाम संभाव्य है कि जो है अक्टूबर या नवंबर में 17 तारीख तक में एग्ज़ाम होने की संभाव्य है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम होगा। तो गाइज, आप जो है बिहार सिविल कोर्ट का यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप जुड़े रहें, और एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इस पर सभी विद्यार्थियों को जो भी इस पर फॉर्म भरे हैं इसको एक जागरूक के तौर पर जैसे सोशल मीडिया के द्वारा आप भी इस पर निर्णय लीजिए और सोशल मीडिया तक पहुँचाइए इसके बारे में, और तभी जाकर ये इसका एग्ज़ाम भी होगा सही से। नहीं तो देखिए, अभी मतलब बीपीएससी टीचर वाले होंगे या बिहार पुलिस हो, अगर अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है जैसे बिहार में तो अब बिल्कुल ठीक समय से एग्ज़ाम होते हैं। और बिहार एक सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम जहाँ कि 1 साल से अभव होने वाले हैं और अभी तक इस पर कोई सवाल जो है नहीं उठाए जा रहे हैं, तो जब तक विद्यार्थियों में एक जागरूकता पैदा नहीं होगी तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एग्ज़ाम तो होंगे ही, क्योंकि जितना सीट थे उससे कई हज़ार गुना मतलब इतना वैकेंसी लोग स्टूडेंट्स भर दिए हैं जिसका कि सीमा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इतना पोस्ट में इतना मतलब जो है क्या कहते हैं भरे गए हैं फॉर्म, तो एक बोर्ड को भी जो है ये सिविल कोर्ट को भी मतलब इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करते हैं बोर्ड उनको भी मतलब ये ऐसा महसूस हो रहेगी इतना बच्चा मतलब बेरोजगारी में है कि फॉर्म से कई गुना ज़्यादा फॉर्म अधिक भर देते हैं। तो गाइज, आप इस वीडियो को पूर्ण देखें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अपवाद या कोई भी गलत ढंग से मैं आपको नहीं बताया हूँ, जो हकीकत जेन्युइन बात है उसी के बारे में मैं बात किया हूँ। तो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है स्किप नहीं कीजिएगा, और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और कोशिश करें कि आप जो है आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट का अब तैयारी में जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।